कि इसकी बैरल सेफ डायरेक्शन होनी चाहिए, की जगह होगी सीमेंटेड होगी या टाइल्स होगी या ये कोई लोहा होगा, तो जब वहां फायर होगा तो वो उड़कर फायर आगे जाकर वो लग सकता है, डैमेज कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हनीफ मलै। आज सिर्फ गन की सेफ्टी, ये मेरे शागिर्द हैं, नए नए शिकारी, नए स्टूडेंट हैं ये, इनको बहुत शौक है, इनको बताना है कि सबसे पहले गन की सेफ्टी, क्योंकि बहुत से बच्चे नए हैं इनको नहीं पता, लेकिन इस लेक्चर से या इस मेरा वीडियो से आपको भी समझ आ जाएगी, आप भी इसको समझ सकेंगे कि गन में 12 बोर में ये सेफ्टी का अहम रोल है। 12 गेज शॉटगन जो है ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा लोगों के पास है और इसके हादसात भी हो सकते हैं अगर आप इसके सेफ्टी के बारे में नहीं जानते। तो आज मैं सेफ्टी के बारे में इसका बताऊंगा कि अगर आप रश में हैं, जैसे ये दोस्त हैं, तो यहाँ गन जो है इसकी ये कंडीशन, ये पोजीशन बेहतरीन है, यहाँ अंदेशा नहीं है एक्सीडेंट होने का, एक्सीडेंटली फायर होने का, आप इसको यूँ भी पकड़ सकते हैं, ये ऐसे गन है तो इसका कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह ये स्कीट शूटिंग, ट्रैप शूटिंग में ये स्टाइल है, ग्राउंड होता है, आप देख सकते हैं। आज हम सिर्फ ये लेसन ये सिखाएंगे इसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द वुमन, सेफ्टी मस्ट है। इस गन में कार्टेज नहीं होना चाहिए, इस गन को ऐसे नहीं होना चाहिए, जब ये ऐसे आ गई अब कोई पता नहीं है कि इसमें कार्टेज है नहीं है, कोई भी गलती से इसको दबा सकता है और हादसा पेश आ सकता है, जान जा सकती है। इसलिए आज ये बता रहा हूँ कि इसकी ये पोजीशन रहनी चाहिए, इसको यहाँ भी आप रख सकते हैं, शिकार में भी, बाज़ यूरोपीय कंट्री में शिकार में यही चलता है। चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि अच्छी आने वाली वीडियो आपको वो मिल सके, उसका नोटिफिकेशन। तो आगे चलते हैं जी, कि इसका ये चैम्बर होता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के कार्टेज यूज़ होते हैं, बर्ड शॉट भी होता है, यानी परिंदे, कबूतर, फाख्ता, आप उसके लिए वो भी होते हैं, इससे आप हिरन भी मार सकते हैं, खुदा न खास्ता ये इंसान को भी ये डैमेज कर सकती है, सूर का शिकार आप इससे कर सकते हैं, वो ये कार्टेज हैं हिरन, सूर और इससे। अगर आप हाथी का भी करना चाहते हैं शिकार, लेकिन उसके लिए मुनसर है कि आपका डिस्टेंस थोड़ा हो, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो इतना ज़्यादा जो है उसकी पावर कम होती जाएगी, जितनी चीज़ टारगेट करीब होगा इसकी पावर ज़्यादा होगी, तो ये हर चीज़ को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है जी, अब आ गया कि इसको फिल कैसे करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे ये मेरे आगे पीछे बच्चे हैं, तो अब मैंने गन को इस तरह लोड करना है कि ये हादसा ना हो सके, ये तो इसकी बैरल जो है सेफ डायरेक्शन में, जैसे ये आगे बच्चे हैं, अपना इधर नहीं कर सकता, ऐसे नहीं लोड कर सकता, इस तरफ कुछ नहीं है, इसको मैं लोड कर सकता हूँ। अब ये एक और बड़ी अहम बात है, 12 बोर में आपने ये कार्टेज डाला और जब आप ये ऐसे, आपकी यहाँ होनी चाहिए अंगली, ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग इधर रखते हैं, कुछ लोग यहाँ रखते हैं, ये बहुत गलत बात है। जब आपने लगा गन को लोड करना है तो आपकी फिंगर यहाँ होनी चाहिए और आगे डायरेक्शन बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, कोई लाइविंग ऑब्जेक्ट जो है नहीं होना चाहिए, कोई इंसान या कोई और चीज़। इसी तरह ये सामने खड़े हैं, तो कई लोग समझते हैं कि ये अभी इससे क्या होगा, मेरी उंगली इस तरफ है, इसको हम ऐसे लोड कर लेते हैं तो कुछ नहीं होगा, ये सम टाइम जब ऐसे आप लोड करते हैं तो ये फायर कर देती है, इसका इंटरनल निज़ाम जंग होने की, जंग लूद होने की वजह से ये फायर हो सकता है, तो ये जो ही फायर होगा आगे बहुत ख़तरनाक किस्म का डैमेज कर सकती है। तो सेफ्टी के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब गन लोड करने लगें तो आप इस एंगल से रखें, इस एंगल पर बेहतर है कि अगर आप इसकी बैरल ये डाउन हो और इस तरह ये हाथ जो है आप देख रहे हैं, ये इसकी बैरल नीचे रहेगी, इसी तरह ये देखिए पकड़े मुझे, ये आप देख लें, ये आप बच्चे भी मेरे सामने खड़े हैं, अगर इसको मैं ऐसे नहीं लोड करूंगा क्योंकि ये फायर कर सकती है, एक्सीडेंटली फायर कर सकती है। अब ये आगे है मेरे बच्चे, इसको ऐसे बैरल उठा कर नहीं करना, जब भी आपके सामने कोई आपके शिकारी भाई होंगे, कोई रश होगा, कोई और ऐसा मेला होगा, तो आपने बैरल को उठा के लोड नहीं करना। हाँ, ये ऐसे कर सकते हो, ये देखो बैरल नीचे है, इसको आप आराम से ये लोड होगी, यहाँ कोई एक्सीडेंट होने का ख़तरा नहीं है, बहुत प्यारा अंदाज है। अगर ये आपको याद नहीं रहता, एक और मैं आपको बता देता हूँ। अब ये बच्चे खड़े हैं, इस तरह भी बच्चे मेरे कैमरे के बैक साइड पर भी हैं, वो आपको नहीं दिखा रहा मैं, तो इसको आप एक और तरीका भी है,
ये देख सकते हैं आप, इसकी बैरल जो है, बैरल इसकी ऊपर होनी चाहिए अपसाइड, लेकिन सामने कुछ नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये बैरल उठा रहे हैं आप, तो फिर आगे आपका क्लियर होना चाहिए, ये लोड होगी गन। ठीक है जी, ये आपको मेरा ख्याल समझ आ गई होगी कि इसको लोड कैसे करना है। सिंपल ये पकड़े, ये देखें बैरल नीचे है, बैक से ये ऐसे होगी, इसका सिर्फ बट स्टॉक ऊपर करेंगे, ये देख, ये लोड होगी। अब इसमें ये सेफ्टी होती है, कुछ गन में सेफ्टी जब आप लोड कर लेते हैं तो उसके साथ ही वो गन फायर के पोजीशन में आ जाती है, लेकिन ये गन हर गन में लादा सेफ्टी है, इसमें आगे करना पड़ेगा फिर फायर होगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप गन में कार्ट्रिज डालने के बाद आपकी उंगली ट्रिगर पे नहीं होनी चाहिए, ये साइड पे होनी चाहिए। ये नज़र आ रहा होगा, ये साइड पे उंगली है, ऐसे ये लोड हो गया जी। अब ये तो ऐसे क्राउडी एरिया पे मैं बता रहा हूँ, या शिकार पे जा रहे हैं आप, वहाँ दोस्त ज़्यादा हैं, आप बंदे ज़्यादा हैं, तो इस तरह आपने गन को लोड करना है और इसको रखना ऐसे है। अब ये चूँकि इसमें कार्ट्रिज आ गया, अब ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, तो ऐसे हम इसकी पोजीशन रखेंगे, आप चलते जाएंगे तो इससे कोई एक्सीडेंट का ख़तरा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बैकग्राउंड ये होगा कि परिंदा जानवर या खरगोश को ऐसे शिकार दौड़ पड़ता है, तो फिर आपके लिए टाइम नहीं इतना होगा, तो वहाँ जंगल का जो माहौल होगा वहाँ मैं लाइव आपको दिखाऊँगा, जंगल में इसकी पोजीशन और होगी। ऐसे हम चल रहे होंगे, गन की पोजीशन ये होगी या ये है, या जंगल में शिकार में इससे अच्छी और कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि यहाँ आप ब्रेक बैरल कर नहीं सकते, कोई पता नहीं होता, ये जंगल है, यहाँ से कोई शिकार उड़ पड़े, बैठ भाग पड़े, इसलिए इसकी पोजीशन जो है ये रहेगी, या इस पोजीशन में आपने जंगल में शिकार करना है, ये है सेफ्टी इसकी। शिकार के बाद अगर कोई बंदा थक जाए या जैसे रेस्ट करना होता है, तो उस टाइम ये गन जो होती है ये ओपन करके रखनी होती है, गन को इस पोजीशन में नहीं करना, या रेस्ट इस पोजीशन में नहीं करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आप इसकी रेस्ट ऐसे रेस्ट करना, ऐसे गन रख ली, ऐसे रेस्ट कर लिया, पानी पीना है, सिगरेट बीड़ी को खाना खोना, गन की ये पोजीशन होनी चाहिए, रेस्ट करते हुए इस पोजीशन पे गन होनी चाहिए। तो ये आप नोट कर लें, क्योंकि आपके साथ दूसरे भी होते हैं, अगर गन में कार्टेज हुआ और गन इस पोजीशन में हुई, कोई ना कोई फिंगरिंग कर सकता है, बच्चा होता है साथ, कोई नाड़ी होता है वो इसको बटन दबा सकता है, तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसी तरह कमरा है, कमरे में मैं आपको लाइव बताता हूँ कि वहाँ क्या करना है। बंद कमरे में आप जहाँ भी आप देखेंगे, जिस तरफ भी आप डालेंगे, ये अनसेफ है। अच्छा, अब इसका सेफ्टी भी हो गई, लोडिंग और अनलोडिंग भी आपको बता दिया जी। अब बच्चों कोई सवाल इस बारे में आपको पूछना चाहें, इसकी नाली बड़ी क्यों नहीं होती? हाँ, इसकी बैरल की बात बच्चा कह रहा है जी, बड़ी ज़बरदस्त। ये जो 12 बोर है, इसमें स्टैंडर्ड जो होती है ना, स्टैंडर्ड या ज़्यादा फेमस बैरल, वो 28 इंच होती है। तो ये 28 इंच है, 30 इंच भी होती है, 32 इंच भी होती है, 26 इंच भी होती है। तो ये अकॉर्डिंग टू शिकार या उसके लिए डिफेंडर जो होती हैं, उनकी बैरल छोटी होती है, यानी अपने घर में जो हिफाजत के लिए रखनी है, पंप होते हैं उनकी 26 इंच होती है, 28 इंच शिकार की होती है, एक स्टैंडर्ड बैरल होती है 30 इंच और 32 इंच आगे आपकी बैरल लंबी जितनी होगी, थोड़ा सा उसका रेंज भी बढ़ जाती है।